-6 -7 यहां थी लाउडनेस, ठीक है। तो जब ये ऑन कर रहा हूं तो हमें सुन रहा है लाउड, यानी कि ये -6 -7 जो है ये और ऊपर होना चाहिए, -4 -3 तक जाना चाहिए। देखते हैं कहां जाता है। लाउड हो गया है लेकिन -9 तक आ गया है। ये किस तरह का मैजिक है? सुनने में गाना मेरा लाउड लग रहा है लेकिन पीक मीटर कह रहा है कि नहीं उसका वॉल्यूम कम हो गया है, हेडरूम और ज्यादा बढ़ गया है। दिस इज रियल मैजिक। नमस्ते, मैं हूं देव आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आज हम बात करेंगे किस तरह से एक्चुअली हमें ओजोन को यूज करना चाहिए आइसोटोप का जो होता है मास्टरिंग के लिए। बहुत सारे लोग थोड़ा सा गलत तरीके से इसे यूज करते हैं। आज हम देखें किस तरह से टेक्निकली इसे यूज करना चाहिए। यहां पर मैं एक आर्टिस्ट का स्क्रैच रेडी कर रहा हूं, आप डमी कह सकते हैं, स्क्रैच कह सकते हैं। तो उसके ऊपर ही मैंने सोचा कि मास्टर बस के ऊपर मैं ये आपको एक बार दिखा दूं। अब यहां पर मैंने सामने ओजोन खोल रखा है और हम सबसे पहले क्या करते होते हैं जो आप सब जानते ही हैं, हम यहाँ जाते हैं, मास्टर असिस्टेंट पे जाते हैं, जो भी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर सेटिंग्स होती हैं कि ठीक है मुझे मीडियम ही लाउडनेस चाहिए, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए चाहिए, ठीक है ओके, और हम नेक्स्ट कर देते हैं, वो अपने आप थोड़ा सा लाउड कर देता है, राइट। हम अभी थोड़ी देर में इसे करेंगे, पहले एक बार मैं सुन भी लेता हूँ कि क्या चीज़ वो है। राइट, वोकल्स और एक दो चीज़ें मैंने थोड़ी ऑफ कर रखी हैं बिकॉज ऑब्वियसली वो आने वाले टाइम में किसी का सॉन्ग होगा तो प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, मास्टर असिस्टेंट पे जाते हैं, नेक्स्ट कर दिया। अब आपने कहा वाह ओजोन की तो जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत ज़बरदस्त है, मैंने कुछ करना भी नहीं पड़ा और बड़ा लाउड हो गया, वाइड हो गया, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त हो गया, राइट। रॉन्ग, क्योंकि अगर हम यहाँ पर देखें, मैं सबसे पहले इक्वलाइजर पे जाता हूँ, कुछ भी नहीं हुआ है, ऑलमोस्ट उसने कहा टोन बैलेंस मुझे ठीक लग रहा था। यहाँ से उसने लो उठाया, हाई उठाया, मिड, आप बहुत बार करके देखेंगे अलग अलग अपने सॉन्ग्स के ऊपर 90% यही होगा, मिड को वो थोड़ा डाउन कर देगा, हाई और लो को ऊपर, अगर आप एक डिसेंट सी मिक्स पहले ही बनाकर अपने रखी हुई है। डायनामिक्स जो है कंप्रेशन है उसने ऑफ रखा हुआ है, उसके बाद थोड़ा सा डायनामिक ईक्यू लिया है, ठीक है, मिड्स और थोड़ी सी हाइज को हल्का सा डक करते हुए। तो टेक्निकली देखें कि सब कुछ बहुत ही हल्का फुल्का हो रखा है, कुछ ज्यादा नहीं, तो इतना इंपैक्ट कैसे क्रिएट हो गया है? यहां पर लिमिटर जो है -13 dB थ्रेशोल्ड डाउन कर दिया, इतना ज्यादा लाउड कर दिया। अगर मैं इसके लिमिटर को वापस ऑलमोस्ट वहीं ले जाऊं तो मैं आपको ऑन ऑफ करके दिखाऊंगा, कुछ हुआ ही नहीं है। ऑफ और ऑन करके हम एक बार फिर से सुनते हैं। वो बीच में हल्का सा गैप आता है जब वो ऑन या ऑफ होता है, उस वजह से आपको लगता है थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया। बहुत ही हल्का फर्क पड़ा है, जो थोड़ा सा ईक्यू हो रखा है, थोड़ा सा डायनामिक हुआ है, राइट, हमें डायनामिक ईक्यू की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप देखेंगे आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पहले अच्छा साउंड कर रहा था, बहुत को लग रहा होगा कि नहीं बाद में कुछ फर्क पड़ा है, लेकिन इतना तो आप सब मानेंगे कि कुछ ह्यूज ड्रास्टिक चेंज आया ही नहीं है। यानी कि जब हम इसका मास्टर असिस्टेंट यूज़ करते हैं तो सारी की सारी गेम लिमिटर के ऊपर आती है, कुछ नहीं करता, थ्रेशोल्ड डाउन करके लाउड कर देता है और आपको लगता है हाँ इसने अपने आप मास्टरिंग कर दी। अब मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, जब आपने इस तरह की चीज़ कर भी दी, ठीक है, अच्छी बात है, आपने लिमिटर से लाउड कर दिया, वो आप किसी दूसरे से या स्टॉक प्लगइन से भी कर सकते थे, तो किस तरह से मुझे इसे टेक्निकली यूज़ करना चाहिए? मैं यहाँ पर हमेशा, जो मैं पता नहीं कितने सालों से और कितने ही लेक्चर्स में आपको बोल चुका हूँ, परसीव्ड लाउडनेस, लाउडनेस की जो परसेप्शन है उसके ऊपर हम काम करेंगे। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ, मुझे सैचुरेशन चाहिए, कलर सैचुरेशन, एक्साइटर, एक्साइट हारमोनिक्स, इस तरह का कोई भी मुझे कहीं शब्द मिल जाए, एक्साइटर लिखा है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं लिमिटर से इसे पहले ले गया, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ से मैं सैचुरेशन ऐड करूँगा, हम यहाँ पे लो मिड, हाई मिड और हाई, चार हम बैंड बना लेते हैं, चारों को अलग अलग हारमोनिक्स ऐड करते हैं, अलग अलग यहाँ पर हमारे पास एल्गोरिदम्स दिए गए हैं, एम्यूलेशंस दी गई हैं, उस हिसाब से हम ऐड कर लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको एक बड़ी बेसिक चीज़ बताऊँगा,
यहां पर मैंने ये ले रखा है वेव कैंडी, एक बार सुनते हैं और देखते हैं इसका लेवल कहां है, पीक पीक है ये। ठीक है, -6 -7 के बीच है। अब मैं यहां जाता हूं, ओवरऑल अभी मैं बैंड्स में डिवाइड नहीं कर रहा, मैं यहां से कोई भी एक एम्यूलेशन लेता हूं। चलिए मैंने ले ली टेप एम्यूलेशन। हेडफोन्स में देखिएगा, मैं आपको यहां पर आज ये नहीं बता रहा किस तरह से हम करेंगे, पहले हम कंप्रेशन ले लेंगे, फिर हम ईक्यू लेंगे, फिर हम सैचुरेशन लेंगे, फिर हम कुछ मिड साइड ईक्यू करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे एंड मिलीमीटर कर देंगे। वो आपने 5000 वीडियोस देख रखे हैं, हम यहां पर टेक्निकलिटी की बात कर रहे हैं। यहां मैं ओवरऑल टेप सैचुरेशन ऐड करूंगा, -6 से -7 के बीच में आप देख रहे हैं कि लाउडनेस आ रही थी। हेडफोन्स में सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा जो मैं आप करने वाला हूं। आपको हल्का फुल्का लग रहा होगा कि थोड़ा सा लाउड हो गया, ऑब्वियसली हार्मोनिक्स ऐड होते हैं, सैचुरेशन ऐड होती है तो लाउड हो ही जाता है, राइट। हेडफोन्स में ही देखिएगा, मैं ऑन ऑफ करके आपको दिखाऊंगा, पहले ये था अब ये है। डेफिनेटली लाउड हो गया। यहां पर मैजिक क्या है, इस मीटर को देखिएगा, पीक मीटर को मैंने ऑफ किया, -6 -7 यहां थी लाउडनेस, ठीक है। तो जब ये ऑन कर रहा हूं तो हमें सुन रहा है लाउड, यानी कि ये -6 -7 जो है ये और ऊपर होना चाहिए, -4 -3 तक जाना चाहिए। देखते हैं कहां जाता है, लाउड हो गया है लेकिन -9 तक आ गया है। ये किस तरह का मैजिक है, सुनने में गाना मेरा लाउड लग रहा है लेकिन पीक मीटर कह रहा है कि नहीं उसका वॉल्यूम कम हो गया है, हेडरूम और ज्यादा बढ़ गया है। दिस इज रियल मैजिक। जब आप परसीव्ड लाउडनेस की बात करते हैं तो सैचुरेशन, कंप्रेशन, आपकी डायनामिक रेंज कितनी आ रही है, आपके हार्मोनिक्स क्या है, आपकी स्टीरियो सेपरेशन क्या है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, रादर देन आपने कोई भी एक बड़ा सा कोई स्वीट ले लिया और नेक्स्ट नेक्स्ट करके ऑटोमेटिक करके रेंडर कर दिया, हाँ लाउड हो गया। लाउड सिर्फ वो सुनने में लग रहा होता है क्योंकि लिमिटर ने कर दिया, वो टेक्निकली लाउड नहीं होता। और यूट्यूब पे जब अपलोड हो जाता है तो आप बोलते हो कि यार दूसरे गानों की तरह नहीं लग रहा, अपलोड होती मेरा वॉल्यूम फिर से डाउन हो गया, क्योंकि यूट्यूब ने वही नॉर्मलाइज तो कर ही देना है। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने ओवरऑल यहां पर मैंने टेप सैचुरेशन ऐड किया है, और अगर आप टेप के बारे में पढ़ेंगे तो वो ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स ऐड करता है। अब ये क्या है, इवन हार्मोनिक्स, ऑड हार्मोनिक्स, इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स, ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स, इसके बारे में पढ़िएगा, गूगल पे बहुत कुछ मिल जाएगा, हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस भी किया किसी लेक्चर के अंदर। इस वजह से आपका जो टूल है, आपकी लाउड हो, आप चाहे ओजोन यूज कर रहे हैं, कोई भी टूल आप यूज कर रहे हैं मास्टरिंग के दौरान, किसी भी चीज के दौरान, कि बिग साउंड होना चाहिए, लाउड होना चाहिए, तो सिर्फ लिमिटर नहीं, सिर्फ वॉल्यूम नॉब से आपको लाउड नहीं करना है, आपको कंप्रेशन से लाउड करना है, आपको सैचुरेशन से लाउड करना है, राइट। इसलिए आपको मालूम होना चाहिए इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स क्या होते हैं, ओवरटोन्स क्या होती हैं, हार्मोनिक्स क्या होते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक क्या चीज़ है, क्या ओवरटोन्स और हार्मोनिक सेम चीज़ होती हैं या डिफरेंट होती हैं, ये जो टर्म्स हैं ये क्या हैं आपको मालूम होनी चाहिए। अब हम थोड़ी सी सैचुरेशन यहाँ ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं गया यहाँ पर तकरीबन 120-110 तक ले जाते हैं, यहाँ से मैं ले जाता हूँ तकरीबन 800-900 के बीच, इसे मैं ले जाऊँगा 3000-4000 के ऊपर, 3.5, ठीक है, राइट। अब हम यहां से देखते हैं कि मैं क्या इसे यूज करने वाला हूं। फिलहाल मैं लो पे कुछ भी यूज नहीं करूंगा, मैं बंद कर देता हूं। सबसे पहले हायर साइड पे ट्राई आउट, बहुत ध्यान से सुनिएगा हेडफोन्स के साथ। अब हम देखते हैं पहले क्या था, अब क्या है।
आप देख रहे हैं कैसे वो फ्लरिश सा हो गया। हार्मोनिक्स ऐड हुए हैं, अलग अलग हमने यहाँ पे एमुलेशंस यूज़ किए हैं, अलग अलग बैंड्स पे यूज़ किए हैं, और बड़ा सटल सुन सुन के किया कि कितना ज़्यादा। कहीं पर होता है कि हम थोड़ी सी लिमिट टच कर देते हैं और थोड़ा सा डिस्टॉर्ट होना शुरू हो जाता है, वो हमारे अपने टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन यही सही तरीका है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली मैं कुछ पीक्स ढूंढूंगा EQ के साथ, और रेजोनेंसिस काट दूंगा, दिस दैट वाइड करूंगा, वट एवर, ठीक है। वाइड करने के लिए मैं यहाँ से जाता हूँ, मैंने इमेजर लिया, इमेजर से मैं फिर पीछे चला गया। अब यहाँ पर फिर से मैं बैंड्स लूंगा, मैं यहाँ पर 100 से नीचे वाले को तो मैं मोनो ही रखना चाहूँगा। यहाँ से मैं तकरीबन ले जाता हूँ इसको कुछ 600 तक, मुझे एक कूल वाइब आएगी। 600 नहीं, चलिए मैं इसे और थोड़ा प्लस ले जाता हूँ। यहाँ से मैं इसे ले गया तकरीबन इतना। ऑन करते हैं स्टीरियो विड्थ। क्या चीज़ होती है, आपके जो दो चैनल है लेफ्ट राइट या स्पीकर या हेडफोन्स की हम बात करें, एक सिग्नल आ रहा है, एक में पहले आ जाता है, एक में बाद आ जाता है, दोनों के बीच में थोड़ा डिले होता है, जिस वजह से हमें ये दिमाग को सिग्नल पहुंचता है कि हाँ ये कुछ वाइड हो गया। मेनली यही चीज़ होती है, इसलिए यहाँ पर लिखा भी है स्टीरियो राइस के सामने मिली सेकेंड, कि इतने मिली सेकेंड का फ़र्क है, राइट। थोड़ा सा चलिए बढ़ाना चाहें तो बढ़ा लेते हैं। लो फ्रीक्वेंसीज एकदम मैंने मोनो रख ली, कोई फेज इश्यूज वगैरह ना आए, एकदम सेंटर में मैं थोड़ा सा इसे वाइड करूंगा। हाई इसको बहुत है, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने वहाँ पर काफ़ी कुछ छेड़ रखा होगा, और अभी जब मैं आर्टिस्ट को भेजूंगा तो मैं जीरो से ये सारा करने वाला हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं लिमिटर को लाउड कर भी दूँ तो देख लेते हैं, ट्रू पीक ही हमें यूज़ करनी है। सीलिंग को मैं क्या करने वाला हूँ, डबल क्लिक -1। अब ये सीलिंग -1 क्यों की है, क्योंकि 0-0 के ऊपर भी हो सकता है, सीडी के जमाने में -0.3 था। -1 इस वजह से, आपने अगर मेरी मास्टरिंग वाली मास्टर क्लास देखी हो, उसके अंदर मैंने बताया है कि जब फॉर्मेट चेंज होते हैं, स्पॉटिफाई से iTunes से कोई सावन gaana.com YouTube म्यूजिक, अलग अलग हम जगह पर जाते हैं, तो फॉर्मेट जब चेंज होते हैं तो ऑब्वियसली बिल्कुल जीरो पे टच होगा, तो कोई डिस्टॉर्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो फॉर्म है हमारी वो चेंज होती है, इसलिए हमें थोड़ा सा यहाँ पर उसको दे देना चाहिए सीलिंग -1। और अब मैं यहाँ पर थ्रेशोल्ड डाउन लेकर जाऊँगा, थोड़ा सा लाउड करके देखते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ पीक्स जो हैं वो हल्की 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 मैंने टेम की है, अभी मैंने ओवर क्रश किया ही नहीं है, कुछ ज़बरदस्ती मैंने यहाँ पर की ही नहीं है, राइट। अब हम बस ऑन ऑफ करके देखेंगे पहले क्या था। और अब क्या है, इनसेन डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। तो आपको इस तरह से ही करनी है, याद रखिएगा परसीव लाउडनेस के ऊपर आपका सारा ध्यान होना चाहिए, टेप सैचुरेशन क्या है, ट्यूब सैचुरेशन क्या है, हार्मोनिक्स क्या है, ओवरटोन्स क्या है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और वो जो मैंने मैजिक आपको दिखाया है कि वॉल्यूम लाउड हो गया था लेकिन कंप्यूटर कह रहा था कि नहीं वॉल्यूम कम हो गया है, उस तरह की चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे जब आपकी ऑडियो इंजीनियरिंग का बेस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन होनी चाहिए, और मेरा दूसरा चैनल है देव नेक्स्ट लेवल बीट्स, उसे भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए देव नेक्स्ट लेवल साइनिंग आउट। नमस्ते।